हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज मंत्रा चैनल। टुडे वील टॉक अबाउट दी क्रड ऑपरेशन एंड एमवीसी डिजाइनिंग पैटर्न। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं और एमवीसी डिजाइनिंग पैटर्न क्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा क्रड ऑपरेशन होता है वो एमवीसी आर्किटेक्चर या फिर एमवीसी डिजाइनिंग पैटर्न पे पूरी तरह बेस्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो क्रड मतलब हो गया क्रिएट, रीट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, जिसमें हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन को हम क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। ठीक है, और एमवीसी का हो गया, जो कि एक डिजाइनिंग पैटर्न है, उसका मतलब हो गया मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो इसका डिजाइन कैसे होता है एमवीसी का, वो हम देखते हैं। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। व्यू जो होता है वो यूज़र को दिखाते हैं हम। ठीक है, यूज़र पॉइंट होता है ये। कंट्रोलर जो होता है वो आपकी आपका व्यू और मॉडल दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, दोनों के प्रोसेस को और या ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। और मॉडल जो होता है वो डेटाबेस से क्वेरी फेच करने के काम में आता है। ठीक है, जो डेटाबेस से रिकॉर्ड होते हैं, जो डेटा होते हैं, उसको फेच करता है मॉडल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यू हो गया कि जो हम यूज़र को दिखाते हैं। तो कंट्रोलर मॉडल से डेटा उठाता है, ठीक है, यहाँ से डेटा गेट करता है और ये व्यू को डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे हम यूज़र को शो करते हैं डेटा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो व्यू में हम कौन कौन सी लैंग्वेजेज यूज़ करते हैं, HTML, CSS, JavaScript। ठीक है, और कंट्रोलर में बैकएंड टेक्नोलॉजी होती है, जैसे PHP, जावा, .NET और अदर बैकएंड लैंग्वेजेज यूज़ करते हैं। और मॉडल में हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्वेरीज लिखते हैं फॉर द फेचिंग डेटाबेस डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ओके, देन फर्स्ट वी विल सी द ऑपरेशन, हाउ वी परफॉर्म दिस, हाउ वी डू दिस। तो फर्स्ट वी विल ऐड वन यूज़र। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई यूज़र ऐड करते हैं, जैसे कि आपको मैं पहले डेटाबेस दिखा दूँ, यहाँ पे कितने यूज़र हैं। लास्ट है सियोम। ठीक है, सियोम ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, सिक्स रिकॉर्ड यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। नेक्स्ट रिकॉर्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं, रिया सेन। पासवर्ड अब हम कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, सिटी हम चंडीगढ़ पिक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, दिस यूजर सेव सक्सेसफुली। हम डेटाबेस में चेक करते हैं कि ये यूज़र सेव हुआ है कि नहीं। ठीक है, हमने क्या लिखा था, रिया सेन। ठीक है, और ईमेल में हमने सैन ही भेज दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं लगा रहे हैं, सिंपली आपको क्रड ऑपरेशन करके हम दिखा रहे हैं कि क्रड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ऐड हमने कर लिया। हमें क्या करना है, रीड करना है, आई मीन हमें व्यू करना है। तो हमने किसको किया, रिया सेन को, एडिट करो यहाँ पे। ठीक है, तो रिया को हमने क्या किया, एडिट किया। तो एडिट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, रिया सेन पासवर्ड अपडेट। अगर आपको कुछ अपडेट करना है इसमें तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, जैसे रिया वन सेन वन हम क्या कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अपडेट करते हैं तो क्या आ रहा है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, रिया वन आ रहा है, इसको एडिट कर लो। ठीक है, ये आ गया आपका, अपडेट हो गया। आपको अगर इसे डिलीट करना है तो सिंपली आप यहाँ से पिक करोगे कोई सी वैल्यू और इसमें आ गया फॉर्म में, इसे आप डिलीट आप मार्क कर सकते हो, तो ये सिंपली डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ चेक कर सकते हो कि जो रिया नाम का रिकॉर्ड था यहाँ पे, ये गायब हो चुका है। ठीक है, आई मीन डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल फॉर्म। इनिशियल फॉर्म पे हम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका, उसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। पहले सिंपली ये है कि आप फॉर्म बना लोगे यहाँ पे, ये हमने फॉर्म बनाया है। ठीक है, ये हो गया यूज़र फॉर्म, जहाँ पे आपने यूज़र आईडी पे ये हमने बनाया है। किस लिए बनाया है, ये वाला पार्ट है जो हमने यहाँ पे ये दिया है, सेलेक्ट यूज़र आईडी। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने बनाया है यहाँ पे, तो ये है, यहाँ से हम गेट कर रहे हैं डेट, हमेशा लिस्ट में दिखा रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद एडिट और ऐड का जो हमने बटन लगाया है वो ये है, एडिट और ऐड वाला बटन, ये दोनों हैं। बेस यूआरएल हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने एक फॉर्म में लिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा फॉर्म में है, ये पहला फॉर्म है इस पेज का। ठीक है,
कि जब भी हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है, और पेज लोड हो जाएगा विद एडिट इन्फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो हमने वहाँ पे बनाया है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, सिटी, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन है, तो ये हो गया। और लास्ट हमने क्या किया है, ये बटन नेम हो गया, अगर हम ऐड करा रहे हैं तो सेव आएगा, और अगर हम अपडेट करा रहे हैं तो क्या आएगा, अपडेट आएगा। यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है कि अगर डेटा एम्प्टी है तो सेव आएगा, और अगर डेटा कुछ आ रहा है, मतलब एडिट वाला फॉर्म है, तो बटन का नाम अपडेट आएगा, ठीक है। तो सिंपली पहले हमने फॉर्म बना लिया, ठीक है, और लिस्टिंग, ये लिस्टिंग है जो ऊपर हम दिखा रहे हैं, जिससे हम एडिट करने के लिए ड्रॉप डाउन से गेट कर रहे हैं डेटा। तो सिंपली हमने क्या किया, पहले सबसे पहले इंडेक्स फंक्शन में हमने क्या लिखा है, इंडेक्स फंक्शन में हमने व्यू लोड कराया है, और व्यू के साथ हमने क्या किया है, जो यूज़र, सारे यूज़र हैं उनका हमने डेटा इस ड्रॉप डाउन में दिखा दिया है, ठीक है। तो पहले यूज़र अपलोड कराते, यूज़र फॉर्म अपलोड करते ही हमने सारी आईडी गेट की है, और उससे उसका नाम हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, ठीक है, ड्रॉप डाउन में। नेक्स्ट है यहाँ पे सेव यूज़र, सेव यूज़र फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सेव पे जब हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सेव पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा। इस फंक्शन में दो चीज़ें हैं, पहला हमने आईडी का चेक लगाया है, आईडी एम्प्टी है, आई मीन इस केस में क्या हो रहा है, डेटा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, ये हो गया इंसर्ट केस, ये इंसर्ट केस है जहाँ पे आईडी आपकी खाली है तो। और नेक्स्ट है हमारा अपडेट केस, ठीक है, ये अपडेट केस है, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को अपडेट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कंट्रोलर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये व्यू था जहाँ पे हमने फॉर्म बनाया था। और नेक्स्ट है मॉडल, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने क्या किया है, ये प्रोसेस है हमारा सेव यूज़र का, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़र सेव करा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया इंसर्ट रिकॉर्ड, ये वाली जो लाइन है, इस केस हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हैं। तो ये एक फंक्शन है जो कि जनरल मॉडल में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, मॉडल को लोड आपको कराना पड़ेगा, मॉडल यूज़ करने के लिए हमने मॉडल यहाँ पे लोड किया है, ठीक है, मॉडल लोड किया है हमने। और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे फंक्शन उसके कॉल किए, इंसर्ट रिकॉर्ड, तो हम देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड कहाँ है, ये हो गया इंसर्ट रिकॉर्ड। और सिंपल आप डीबी की क्वेरी लिखोगे जो कि कोड इग्नाइटर में होती है, तो कोड इग्नाइटर में हमने डीबी की क्वेरी डॉलर दिस डॉट डीबी डॉट इंसर्ट, टेबल का नाम हो गया, और ये जो एरे आ रहा है जिसे आप इंसर्ट करा रहे हो, ठीक है। सिंपली हमने अपडेट के लिए भी ये लिखा है, आप अपडेट जो करा रहे हो, आईडी पे अपडेट करा रहे हो, तो अपडेट की क्वेरी, गेट यूज़र बाय आईडी, आप किसी आईडी को अपडेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिए, तो ये हो गया कि हम आईडी को कैसे गेट करते हैं, तो आप यहाँ गेट करोगे, और अपडेट के लिए ये अपडेट की क्वेरीज है, ठीक है। तो हर एक बटन पर हमने कॉल कराया है और फंक्शन का नाम दिया है, यहाँ पर सेव करने के लिए सेव, अपडेट में आया है तो अपडेट में हमें आईडी मिल जाएगी, ठीक है, इस केस में आईडी एम्प्टी नहीं रहेगी, तो हमने उसे अपडेट करा दिया है, ठीक है। आप यहाँ से सारे फंक्शन देख सकते हो मॉडल के, मॉडल में कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी डिफाइन करते हो तो क्लास का नाम किससे मैच करना चाहिए, जो आपने यहाँ पे दिया, जो आपने यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे दिया है वो मैच करना चाहिए, जो यहाँ पे फाइल आपकी यहाँ पे सेव है वो इससे मैच करना चाहिए। और एक्सटेंड हम क्या कराते हैं, सीआई मॉडल एक्सटेंड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस, इंसर्ट रिकॉर्ड, अपडेट, सारे आप फंक्शन देख सकते हो, इंसर्ट का, अपडेट का, गेट यूज़र बाय आईडी, ये है एडिट करने के लिए हमने गेट किया है और इसे अपडेट किया है हमने, ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड, इसे आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर सकते हो क्योंकि इसका यूज़ नहीं है, अपडेट के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन का। तो यहाँ से ये हो गया अपडेट की क्वेरी, अगर अपडेट होता है तो हमने क्या किया है, रिजल्ट में सेशन हमने सेट फ्लैश डेटा सक्सेस में रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हमने रिटर्न सेट कराया है सेशन में, और अगर कोई एरर आता है तो एरर का मैसेज हमने सेट कराया है। और हर एक केस में हम क्या कर रहे हैं, जो लिस्ट है ये वाली, ये लिस्ट है, इसके लिए हमें डेटा चाहिए, हर एक जब भी पेज लोड होगा तब हमें डेटा चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे हर बार डेटा गेट करके हम क्या कर रहे हैं, इसे हम व्यू वाले फॉर्म में लोड करा दे रहे हैं, चाहे वो एडिट वाला हो, यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, पूरा डेटा गेट किया है। तो एडिट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कि आप वो यूज़र गेट करोगे, उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट करोगे
जिसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ठीक है, एडिट बटन के क्लिक पे। तो एडिट बटन क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये तो ठीक है, ये तो हमें फॉर्म के साथ लोड कराना है, बाकी हम यहाँ से उस यूज़र आईडी का यूज़र डेटा हम गेट करके और फिर हम इसे क्या कर रहे हैं, व्यू में लोड करा दे रहे हैं, ठीक है। सिंपली डिलीट डिलीट के लिए हमने क्या किया है, डिलीट बटन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये डिलीट बटन है। इसके साथ हमने क्या किया है, यूज़र आईडी हमने यूआरएल में एम्बेड कर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ। यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे हमने बनाया है बेस यूआरएल, तो यहाँ पे हमने इसे एम्बेड कर दिया और बेस 64 एनकोड करा के हम उसे सेंड कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली हमने यहाँ पे क्या किया है, गेट किया है। तो ये हमने गेट किया है यूज़र आईडी को, और उसे हमने क्या किया है, डिलीट प्रोसेस हमने डायरेक्ट क्वेरी यहीं पे लिख दी है, हमने कोई फंक्शन कॉल नहीं कराया है मॉडल का, डायरेक्ट क्वेरी यहाँ पे लिख दी है। और इसे हमने अगर डिलीट होता है तो उसके बेस पे हमने क्या किया है, सेशन सेट कर दिया है, अगर डिलीट हुआ तो डिलीटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज नॉट डिलीटेड। और फिर से हमने फॉर्म को लोड करा दिया है। तो हर बार हम फॉर्म को लोड कराते हैं, चाहे अपडेट हो, चाहे डिलीट हो, चाहे इंसर्ट हो, फाइनली हम फॉर्म को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। सिंपली अगर आप कंट्रोलर कोई बनाते हो तो पहले आप PHP का टैग लगाओगे, ये आप सिक्योरिटी के पर्पज़ से लिख रहे हो कि डायरेक्ट अलाउड है कि नहीं, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है कोड इग्नाइटर में। और फिर हमने क्या किया है, क्लास का नाम यहाँ पे लिखा है फॉर्म वैलिडेट, क्योंकि यहाँ पे वही है। एक्सटेंड किया हमने CI कंट्रोलर, ये हमने एक एरे डिफाइन किया है जो कि हम यूज कर रहे हैं हर एक फंक्शन में। पहला हो गया कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट में हमने पेरेंट कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टर हम इसलिए यूज करते हैं जिससे हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकें, फर्दर हम यूज कर सकते हैं इसको। मॉडल है हमने लोड कराया, तो इंडेक्स में हमने पहले यूज़र फॉर्म लोड कराया है, बाकी सेव यूज़र में हमारा अपडेट और सॉरी इंसर्ट और अपडेट हो रहा है। और नेक्स्ट फंक्शन है जो कि एडिट के बटन के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जिसके जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उस यूज़र आईडी का डेटा हम गेट करके फॉर्म में शो करा रहे हैं, और डिलीट में सिंपली हम डेटा क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा फॉर्म। फॉर्म में हमने क्या किया है, पहले हमने अगर सिंपली ऐड का फॉर्म है तो ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं, जिससे प्रॉब्लम ना हो कि आप एडिट और अपडेट फॉर्म सेम है हमारे लिए, तो उस केस में अगर एडिट और ऐड फॉर्म सेम करनी है तो वहाँ पे हमें ऐसे कंडीशन डालनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने फील्ड बनाई है नेम की, इस वाले फील्ड में हमने इनपुट टाइप, यहाँ पे हम वैल्यू में क्या कर रहे हैं, वैल्यू में दो चीज़ें हैं, जैसे हमने एम्प्टी फॉर्म एरर। तो जब आप कोड इग्नाइटर की सर्वर साइड वैलिडेशन लगाते हो तो उस केस में फॉर्म अंडरस्कोर एरर की हेल्प से हम क्या करते हैं, एरर को प्रिंट कराते हैं, जो भी एरर आता है बैकएंड से। तो हालांकि यहाँ पे इस फॉर्म में हमने इस वाले वीडियो में हमने फॉर्म वैलिडेशन के बारे में बात नहीं की, अगर आपको देखनी है तो प्रीवियस चैनल पे जाके आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, वहाँ पे हमने कोड इग्नाइटर में वैलिडेशन हमने बताई है कैसे लगाते हैं। तो सिंपली वहीं वाली उसी वीडियो का ये बचा हुआ पार्ट है जो कि इसमें यूज नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, वैल्यू में हम प्रिंट कराते हैं जो कि एडिट फॉर्म में आता है, सेम फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, वहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे हमने क्या किया है, ऊपर डिफाइन किया है नेम को, ठीक है। वैसे ही सारे वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, नेम, ईमेल, जो जो आप यूज करोगे यहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, डिफाइन होती हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर, सिटी, तो एवरी थिंग विल बी डिफाइंड वॉट एवर यू आर यूजिंग इन द फॉर्म। तो एवरी वेरिएबल शुड बी डिफाइंड प्रीवियसली हियर, अदरवाइज यू विल गेट प्रॉब्लम इन एडिट फॉर्म, बिकॉज दिस द बोथ फॉर्म फॉर एडिटिंग एंड एडिंग यूजर इज सेम। सो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द वेरिएबल्स एज अ नल, ठीक है। तो ये रहा आपकी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि यूज़र के जो डेटा होते हैं, जितने भी आपके यूजर्स होते हैं किसी रिकॉर्ड में, उन सारे रिकॉर्ड को एजेक्स डेटा टेबल के थ्रू कैसे हम लिस्ट करते हैं, और उसमें कैसे एक्शन बटन लगाते हैं, कैसे उनमें हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो ये आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।